नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जून में 1.3 करोड़ लोग हुए बेरोजगार, शहरों के मुकाबले गांवों में ज़्यादा असर। ये खबर देखकर ही दुख होता है और आगे वाले भविष्य की या आने वाले भविष्य की चीज़ों को सोचकर डर लगता है कि क्या होगा हमारे देश का अगर इसी प्रकार से करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार होते चले जाएंगे। तो जब नौकरी ही नहीं होगी तो करेंगे क्या, और जब नौकरी नहीं होगी तो इंसान के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, वो है गलत काम। देखते हैं पहले पूरी खबर क्या है, फिर समझते हैं बात को। तो श्रम बल में काम करने वालों की संख्या घटकर 39 करोड़ रह गई है। देश भर में रोजगार में के मामले में बड़ी गिरावट आई है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस साल जून में बेरोजगारी दर 0.68% बढ़कर 7.8% पहुंच चुकी है। बहुत ज़्यादा अंतर हो चुका है। मई में यह 7.12% थी। इस दौरान 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके साथ ही कुल श्रम बल में काम करने वालों की संख्या घटकर 39 करोड़ रह गई है। इससे पहले अप्रैल और मई में करीब 80 लाख लोगों को रोजगार मिला था। मानसून में देरी से खेतिहार मजदूरों की मांग में कमी के कारण गांवों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पहुंच गई। मई में यह 6.62% रहती। इस दौरान शहरी बेरोजगारों मई के करीब 8.28% से घटकर 7.30% रह गई है। CMIE के MD महेश व्यास ने कहा, जून में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा है। हालांकि बेरोजगारों की संख्या सिर्फ 30 लाख बढ़ी क्योंकि बाकी श्रम जो बाजार है वो बाहर हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। लोगों के पास रोजगार का जो अवसर है वो घट रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो। इसी तरीके से जून में 22% नौकरियां बढ़ी हैं। कहाँ पर? फ्रेशर्स की मांग बढ़ी है। तो कर्मचारियों की मांग बढ़ने से जून में भर्ती गतिविधियों में 22% तेजी रही। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार फ्रेशर्स की मांग बढ़ने से एंट्री लेवल की नौकरियों में भी करीब 30% उछाल की दर्ज की गई है। फ्रेशर्स की मांग कोच्चि में 105% और मुंबई में 93% बढ़ी है। ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग से सबसे ज़्यादा 158% की तेज़ी दर्ज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बहुत कमी है तो कुछ क्षेत्रों में थोड़ा उछाल है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि सभी क्षेत्रों में एक ऐसी नीति हो, ऐसे कार्यक्रम हो कि कहीं पर भी इतनी बेरोजगारी ना बढ़े अचानक से। हमारे देश की पॉपुलेशन वाकई बहुत ज़्यादा है, काम उतना नहीं है, लेकिन करोड़ों में अगर संख्या बेरोजगारों की होगी तो देश की स्थिति वाकई सोचनी है। सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए हो चैनल को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।